ये फाइनली आप क्या कह सकते हैं? अगर आपका कोई मसला ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रही या आपको नहीं यूट्यूब पे मिल रहा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बना के आपका मसला इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें मसला ये आ रहा है कि तो पानी ये बहुत कम दे रहा है, दूसरे नंबर इसके अंदर से ना पानी लीक हो रहा है, यहाँ से ना कुछ पानी नीचे आ रहा है, यहाँ से पानी लीक हो रहा है। अभी इसको खोल के चेक करते हैं क्या मसला है, और इसको आग भी नहीं लग रही, ऑन नहीं हो रहा बिल्कुल। दोस्तों इसकी लीक जहाँ से हो रहा था पानी, ये इसका लीवर जो है पानी वाला, ये लीक कर गया। इसको अब हम खोल के चेक करते हैं क्या मसला है, बताएंगे कैसे करना है। आपने ये जो कैसे निकल आएगा ये बाहर, इसका ये मसला होता है कि ये ज़्यादा देर बंद रहने से या हार्ड हो जाता है, रबड़ जो होती है हार्ड हो जाती है। अगर तो आपको रबड़ मिल सकती है ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं इसको। अगर नहीं मिल सकती तो आपने नलकी का धागा लेके एक दो चक्कर लगा देने इसके सीधे के, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। अभी हम आपको प्रैक्टिकली करके चेक करवाते हैं। पानी ज़्यादातर यहीं से लीक होता है, आप ये देख सकते हैं इसकी एक तरफ दो साइडें होंगी ना, एक ये होगी एक ये होगी। आप जौन सी मर्जी एक साइड पर आप धागा लगा दें ताकि ये टाइट हो जाएगी, इसके अंदर तक धागा घुसा देना आपने टाइट करके ज़्यादा। ये देखो मैं लड़की से लगा रहा हूँ, लड़के धागा ही लगा रहा हूँ, कुछ सील मैंने चेंज नहीं की। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, सही होता है कि नहीं होता। धागा आपने इतना लगाना है कि ये जो जगह है ना, ये रबड़ है, इस जगह से ऊपर हो जाए थोड़ी सी, ये जो रबड़ है इस जगह से ऊपर हो जाए, ताकि ये तब हम लगाएँ इसको तो ये टाइट होकर चली जाए ज़रा। धागा हम इसको लगाएंगे ना तो ये धागा इसके अंदर जाएगा तो रबड़ थोड़ी थोड़ी बाहर आती जाएगी। हमने दोस्तों धागा लगा दिया, धागा लगाने के बाद हमने इसको हल्का सा मोबलाया लगा लेना ताकि अंदर से पानी से घुस जाएगा इसको। जब ये इसका सही हो जाएगा ना तो ज़रा खुश होने में थोड़ा देगा दौर। बस हमने ये इसका फंस दिया नट, अब मज़ीद हम इसको चेक कर लेते हैं कि कोई और मसला ना हो। ये ऑन भी नहीं हो रहा था, और उसके बाद हम क्योंकि ये तो आकर रखा हुआ था मुकम्मल, हम इसको चेक कर लेते हैं गैस वगैरह का। ये देखें दोस्तों इसमें जाला जो है ना, जाला बना दिया हुआ है दोस्तों, इसमें मकड़ी ने जाला बना दिया हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी गैस कैसे जानी है कि इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं कि मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है। इसका जो सारा सिस्टम है ये बंद कर दिया हुआ, गैस वाला पाइप बंद कर दिया हुआ इसने मकड़ी ने, तो गैस के लिए इसको सफाई करनी पड़ेगी इसकी। इसके लिए हमें इसकी कॉयल भी खोलनी पड़नी है क्योंकि अंदर तक जाला लगा हुआ है, तो हम इसकी कॉयल खोल लेते हैं।
उस हिस्से के अंदर जंग भी लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो कोयर के अंदर ये जंग लग चुका है नमी से। गीजर को कभी बंद करके नहीं रखना चाहिए, अगर रखना हो तो उसके जो अगर पाइप हैं उनको बंद कर देना चाहिए, किसी चीज़ से भी कपड़ा कुछ आगे किसी तरह बंद कर दें, क्योंकि अंदर नमी से ना उसको जंग लग चुका है। और जाला भी बना दिया हुआ मकड़ी ने खुला रखने की वजह से। हमने इसको रिपेयर करके लिए, यानी कि इसका हमने लीकेज का मसला भी हल कर दिया है। सल वगैरह की डब्बी भी हमने साफ़ करके लगा दी है। और जो गैस का मसला आ रहा था, गैस नहीं इसको मिल रही थी, उसमें जाला था, उसका भी मतलब नोजल साफ करके हमने उसको लगा दी है। ये भी हमने साफ करके इसको हो गया ओके। हमें इसको गैस लगा के दोबारा चेक करते हैं कि मसला हल हो गया कि नहीं हुआ, ऑन हो रहा है गीजर कि नहीं। देखो दोस्तों, बिल्कुल ओके हो चुका है, ऑटोमेटिकली काम कर रहा है ये। दोस्तों उसमें ये मसला आ रहा है कि इसको हमने बंद कर दिया है, लेकिन इसकी गैस बंद नहीं हो रही, लाइट बंद कर। ये आप देख सकते हैं गीजर बंद है, लेकिन इसकी हल्की हल्की रोशनी लाइट आ रही है, यानी कि गैस आ रही है। इसका मतलब है ये कि जो कॉयल है ये पूरा काम नहीं कर रही, गैस को ऑटोमेटिकली बंद नहीं कर रही, इससे गीजर को आग भी लग सकती है। इसलिए हम दोबारा इसको चेक करते हैं क्यों आग नहीं बंद हो रही। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि पाइप में से कचरा आया है, जिसकी वजह से ये इसके कचरा आने की वजह से ये इसने पूरा गैस को बंद नहीं किया, और ये हल्की हल्की गैस सप्लाई देता रहा है। अभी हम इसको साफ करके लगाते हैं दोबारा, ताकि ये मसला दोबारा ना आए। इसके अंदर से भी सफाई मजीद कर लेंगे हम। ये जो मसला है ना, इसका गैस लीक करते रहने का, इससे आपका सिलेंडर बहुत जल्दी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये हर वक्त इसको आग लगी रहती है। आप यूज़ ना भी कर रहे हो तो उसके अंदर आग लगी रहती है, गैस ज़ाया करता रहता है ये। उसकी वजह से क्या होता है कि जो गीज़र वगैरह हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह से ये ख़राब हो गया, वो आग लगने से ज़्यादा देर, क्योंकि ये जलता रहता था, पानी ना गुजरेगा तो लगातार आग लगी रहेगी, तो ये ज़ाया हो जाएगा, पाइप जो है इसके जल जाएंगे। दोस्तों हमने इसको रिपेयर कर दिया, हम दोबारा इसको चेक करते हैं बंद करके गैस।
अब हम इसको बंद करेंगे यहाँ से ताकि पता चले हमें कि गैस उसकी बंद होती है कि नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, आप इसकी गैस बिल्कुल ओके हो चुकी है, यानी कि आपकी गैस अगर इधर से लगातार आती रहती है तो समझ लें कि आपकी जो कोयल है, गैस कोयल है, इसके अंदर कचरा आ गया हुआ है, जिसकी वजह से ये लगातार गैस देती रहती है उसकी, उससे आपका गैस का सिलेंडर भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और गीज़र को आग लगने का भी अंदेशा आता है, अक्सर गीज़रों को आग लग जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें दो तीन फॉल्ट मिली हैं, एक तो इसमें यह था कि गैस नहीं जा रही थी, दूसरा नंबर इसका यह था कि गैस अब आना शुरू हो गई तो ये ऑन नहीं हो रहा था, यानी कि गैस बंद नहीं हो रही थी। तीसरा इसका यह मसला था कि ये पानी यहाँ से लीक हो रहा था, उसका हमने ये हल कर दिया है। इसके अलावा जो फॉल्ट आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फॉल्ट आता है, इसके अलावा अगर आता है कोई और फॉल्ट आता है तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। एक ही वीडियो में हम सब मुकम्मल नहीं कर सकते, जो हमारे पास जेन्युइनली फॉल्ट आएंगे हम वो उसी पर वीडियो बनाएंगे, ना तो हम खुद फॉल्ट डाल सकते हैं तो ना ही इंशाल्लाह डाल के बनाएंगे, जो जेन्युइनली होते हैं फॉल्ट वही उसी हम बनाएंगे। या आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके चल रहा है, किसी किस्म को मसला नहीं है। एक दफ़ा यहाँ से बंद करके दोबारा चला के जा कर लेते हैं, ये देखें आप गैस बंद हो गई हुई है, किसी किस्म का मसला नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किए। अल्लाह।